ये जो व्यू है इसका व्यू के टाइम पे ऐसा है कि यार मोटो व्लॉगिंग के बिना किसी को मज़ा ही नहीं आता वीडियोस देखने में। इस पर नीचे देख रहा हूँ कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही, मैं आपको थोड़ा शेक करके भी दिखा दिया इसलिए स्टेबिलिटी बताने के लिए। स्टेबिलिटी हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है बट इतना बजट नहीं है कि आप गोप्रो या और कौन सा एक्शन कैमरा अफोर्ड कर सको, सो आज की वीडियो आपके लिए ही है। आज की वीडियो में हम देखेंगे मोस्ट अफोर्डेबल मोटो व्लॉगिंग सेटअप। हालांकि बहुत सी वीडियोस मैंने यूट्यूब पर देखी बट मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक स्पेशल कंटेंट लाया जाए। सो मैं इस पर वीडियो पहले ही डाल देता बट मैं मेरे गोप्रो के लिए रुका था बिकॉज इसके बाद गोप्रो के ऊपर भी वीडियोज़ आने वाली है। ये सारा आप सामान देख सकते हो और मैं ये गाइस बताना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज ये सब लगाने के बाद फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप का कैसा आउटपुट आता है आपको पता चल जाएगा। सो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि पहले वीडियो को एंड तक देखना और अच्छी लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस देखो यार, आप में से कोई इन फ्यूचर भी कौन सा एक्शन कैम लेने का प्लान कर रहा है गोप्रो इंस्टा 360 या और कौन सा भी, तो मैं ही सजेस्ट करूंगा कि यार पहले फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप बना लो, उससे प्रैक्टिस करो। बिकॉज ऐसा होता है कि एज अ क्रिएटर अगर आप इतने पैसे एक्शन कैम में इन्वेस्ट करोगे देन लाने के बाद आप कुछ बोल ही नहीं पा रहे हो तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। इसलिए क्या है कि अब जैसे कि मैंने भी इससे 7 से 8 वीडियोज़ बनाई हैं फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और फिर मैंने इसे ऑर्डर करा जिससे फिर मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस भी आ जाए कैसे क्या बोलना है। अब नीडेड एसेसरीज़ की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आता है फ़ोन। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैंने जितनी भी फ़ोन मोटो व्लॉगिंग की वीडियो शूट करी है S10 से करी है। आप कौन सा भी एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर सकते हो या आईफोन, बट मैं इसलिए यूज़ करता हूँ इसमें वाइड एंगल है। आप देख सकते हो वाइड एंगल आपको एक गोप्रो वाला फील देता है। अगर आपका नॉर्मल फ़ोन है जिसमें आपके पास वाइड एंगल नहीं है तो मैं अमेज़ॉन में लिंक डाल दूंगा जहाँ से आप एक वाइड एंगल लेंस लगा सकते हो। दूसरी चीज़ आती है हेलमेट। हेलमेट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज बिना उसके तो आप मोटो व्लॉगिंग कर ही नहीं पाओगे। सो ऐसा है कि मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने बताया कि ये हेलमेट क्यों बेटर है मोटो व्लॉगिंग के लिए, देन इसमें हेलमेट में साइज़ कैसे चूज़ करना, ये सारी चीज़ें भी उस पर बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन पर अभी दिख रही होगी। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चिन माउंट। आप ये देख सकते हो टेलेसेन का चिन माउंट है जो कि अराउंड 995 मतलब 1000 रुपये का आता है। अब बहुत से लोग ऐसा है कि यार वो डायरेक्ट फ़ोन होल्डर को यहाँ पर चिपका देते हैं एमसील से। मैं ये सजेस्ट इसलिए नहीं करूँगा बिकॉज गाइस यार जुगाड़ का काम ज़्यादा टाइम नहीं टिकता, हो तो अच्छी चीज़ करो और यार आप स्टार्ट करो तो थोड़े तो पैसे इन्वेस्ट करो, सारी चीज़ें जुगाड़ में नहीं होती है। देन आता है ये आपका क्विक प्रूफ का सक्शन कैप, ये अराउंड 230 रुपीज़ का मतलब 230 से 250 के बीच में आपको ये मिल जाएगा। प्राइस थोड़ी वेरी होती रहती है। सो अब इसे हमने क्यों मंगाया, बिकॉज इसमें सिर्फ एक माउंट का ही काम है, वो मैं आपको फिटिंग के टाइम आगे बताऊंगा। बिकॉज इसमें सिर्फ ये वाला आप माउंट देख सकते हो इसके लिए और इन दो चीज़ों के लिए हमने सिर्फ सक्शन कैप मंगाया है। बिकॉज ऐसे आप इसे अगर अकेले भी मंगाना चाहोगे तो फिर डिलीवरी वगैरह मिला के उतना ही पड़ जाता है, इसलिए मैंने इसे पूरा मंगाया है। एंड देन ये हेडफोन वगैरह की बातें तो हम बाद में करेंगे। सो लास्ट चीज़ बची है वो है फ़ोन होल्डर। फ़ोन होल्डर मोबाइल होल्डर जो भी इसे बोल लो, ये आपको सेल्फी स्टिक अगर आपके घर में है तो उस पर भी मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन 100 रुपीज़ का मंगा सकते हैं। बस मेनली आपको ये चीज़ ध्यान रखनी कि नीचे इस टाइप का ये होना चाहिए जिससे आप इजीली इसमें माउंट को लगा सकते हो। सो ये सारी चीज़ें तो मैंने बता दी, एसेसरीज समझा दी, अब मेनली ये कैसे लगती है बता देता हूँ। तो आपका जो हेलमेट है, अब मैंने आपको जैसा कि बताया था अगर आप यहाँ पर फिक्स कर लोगे तो वो ऐसा है कि बाद में आप चाहोगे भी तो आपके हेलमेट से निकाल नहीं सकते एमसील का। अब ये जो माउंट है ऐसा है कि अगर आप इन फ्यूचर गोप्रो लाते हो तो डायरेक्टली आपका यहाँ पर गोप्रो लग जाएगा, तो इसमें आपको सिंपली इस टाइप से रखना है। ये जो रबर की आप देख सकते हो इसकी बहुत ही अच्छी ग्रिपिंग रहती है, बिल्कुल भी मतलब ऐसा आप में से कोई सोचेगा फ़ोन वोन गिरने का ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं होती। बिकॉज जो भी प्रोफेशनल मोटो व्लॉगर्स है यही चिन माउंट यूज़ करते हैं, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, ले लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस टाइप से लगाना है। सो स्ट्रिप्स हमने इसमें लगा दी, अब सिंपली इसे टाइट करना है। सो आप देख सकते हो माउंट को हमने फिक्स कर लिया है और आप देख सकते हो कितना ड्यूरेबल है, मतलब बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है बिकॉज ये रबर काफ़ी अच्छी इस पर ग्रिपिंग करते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये वाइजर भी पूरा इजीली क्लोज हो रहा है। अब नेक्स्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया था ये सक्शन कैप मैंने क्यों मंगाया है, बिकॉज इसमें हमें ये पूरा बंडल आता है जिसका मतलब आपको यूज़ करना है तो आप ये कार में कर सकते हो, बट हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी इसमें से, वो है ये माउंट है। ये आपको सेपरेट ऐसा आएगा, आपको लगाना है इसमें, कुछ इस टाइप से लगाना रहेगा। सिर्फ इसके लिए हमने सक्शन कप को मंगाया है। अब इसे आपको इस टाइप से यहाँ पर लगाना है,
यहाँ पर आप देख सकते हो ये इसमें प्लेस हो गया है, और ये स्क्रू जो इसके साथ ही आया था इसे सिंपली इसमें लगा लेना है। ये पूरा कंप्लीट लग चुका है। अब सबसे लास्ट आपका जो मोबाइल होल्डर है उसमें यहाँ पर नीचे ये रहेगा, सिंपली इसको स्क्रू में लगा लेना है। ये अच्छे से हो गया है टाइट। हमने इसे इसलिए एक्सटेंड करा बिकॉज अगर आप इससे थोड़ा पास रखोगे ना तो फ़ोन कहीं ना कहीं यहाँ पर टकराता है, इसलिए मैंने इसे थोड़ा दूर रखा है। और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से हो गया है। और ये जो फ़ोन है अब इसे मैं इससे लगा दूंगा, और लगाने के लिए आप इसे पीछे यहाँ से सीधे ढीला करके इसे ऐसा कर सकते हैं। सब हमारा फ़ोन इसमें लग चुका है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि इसको इधर क्यों रखा है, बिकॉज़ ये जो लेंस है ना, आप अगर फ़ोन को सेंटर में पकड़ते हो लेंस यहाँ पर है, यहाँ से वीडियो शूट हो रही है तो आपको थोड़ा टेढ़ा एंगल दिखेगा। इसलिए आपको ऐसा है कि ये भी बनाने के बाद ऐसा नहीं है कि आप कल में मोटो व्लॉगिंग सीख जाओगे। तो मेरी वीडियो देख कर आपने ये सारी चीज़ें ऑर्डर कर दोगे, उसके बाद भी आपको 2 से 3 दिन देना पड़ेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिकॉज एक बार अगर एंगल अंदाज़ा आ गया ना फिर आप परफेक्ट हो। तो इस टाइप से अब ये लग चुका है। सो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑडियो। विदाउट ऑडियो मोटो व्लॉगिंग इज़ इनकम्प्लीट। अब ऑडियो की बात आती है तो यार देखो, आप सबने जो भी यूट्यूब पर है या आने के लिए प्लान कर रहे हैं, आप सभी को बोया का कॉलर माइक पता है, BY-M1, जो कि बहुत ही फेमस है। अभी मैं इसी से शूट कर रहा हूँ तो ये अराउंड 800 रुपीज़ का आ जाएगा। और अगर उतने भी स्पेंड नहीं करने हैं तो आपको जो लोकल माइक है आफ्टर मार्केट 150 से 200 रुपीज़ में ये कॉलर माइक मिल जाता है। बट मैं दोनों ही रिकमेंड नहीं करूँगा, बोया का बेस्ट है, बट ये है कि इतनी साइज़ है आप हेलमेट में रखोगे कहाँ। दूसरी चीज़, ये जो माइक है ना बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और नॉइस कैंसिलेशन नहीं करते, मतलब अगर आपके एग्जॉस्ट का भी साउंड आ रहा है या आसपास की गाड़ियों का आ रहा है तो इसमें ईजिली आ जाएगा। मैं ये बोलूँगा जैसा कि आपको टाइटल से पता लग गया है, मोस्ट अफोर्डेबल मोटो व्लॉगिंग सेटअप, तो आपको इसमें स्पेंड ही नहीं करना है। आप सबके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो एंड्रॉइड फ़ोन के ईयरफोन्स भी आए, ये मेरे S10 के हैं, इसे मैं यूज़ नहीं करता हूँ, बट ये नॉर्मल मेरे पास वीवो के पड़े थे, मैं इसी से शूट कर रहा हूँ वीडियोज़। आप देख सकते हो अंदर हेलमेट भी लोगे तो पैडिंग वाला लेना, जो कि वॉशेबल रहता है। और अगर मैं आपको यहाँ पर पास से दिखा दूँ, ये पैडिंग पूरी ओपन हो जाती है यहाँ से, ये आप देख सकते हो सारी पैडिंग खुल गई है। कई सारी चीज़ें तो मैंने आपको बताई दी है, अब फाइनली इसका आउटपुट चेक करने चलते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना कि आपको ये फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप का आउटपुट कैसा लगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके फ़ोन में वाइड एंगल है तो मतलब आपका फ़ोन GoPro से कम नहीं है, इसलिए आपका कौन सा भी मोबाइल है उससे आप शूट कर सकते हो। सब चलते हैं इसको लगा कर। अभी हेडफोन भी मैं कैसे लगाने बता देता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बताई दिया पैडिंग दी है इसमें, सिंपली यहाँ पर ये जैक दिया है, जैक को मैं यहाँ पर लगा लूँगा और मैं अपने अकॉर्डिंग इसको अंदर फिट कर रहा हूँ। आप भी आपके अकॉर्डिंग कर सकते हो, इसलिए मैं इसे ज़्यादा डिटेल में नहीं बताता हूँ। तो इसको फिट करने के बाद अपन मिलते हैं। ऑल राइट गाइस, सो अभी हम निकल रहे हैं आपको इसका आउटपुट दिखाने के लिए। सो सारी फिटमेंट हो चुकी है, बस ये हेडफोन का जैक और लगाना है। ये भी कंप्लीट लग चुका है। अब जो अगली वीडियो देखने वाले हो वो ऑडियो और वीडियो आप अपने फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप की। ऑल राइट गाइज, हेलमेट को पहन लिया है और अभी आप जो ये ऑडियो देख रहे हो ये मेरे फ़ोन से आ रही है S10, और जो आपको मैंने हेडफोन बताया उससे। व्यू सारा आप देख सकते हो GoPro से कम नहीं है। अभी वीडियो में शूट कर रहा था मेरे Hero 9 से। चलते हैं अब देखते हैं, अभी शूट हो रही है GoPro से। आप मेरा यहाँ पर मोटो व्लॉगिंग सेटअप देख सकते हो। सो अभी जो ऑडियो आ रही है आपको मेरे जो मैंने आपको ईयरफोन का बताया था, बाकी सामने की क्लिप आप देख सकते हो, आप दोनों क्लिप पैरेलल देख पा रहे होंगे। अभी Hero 9 की है सामने की एंड पास वाला मेरा ये, और गाइज़ ये मेरा GoPro है, बट फिर भी आप देख सकते हो यहाँ से ये जो व्यू है इसका व्यू भी देख सकते हो, मतलब पूरा GoPro वाला ही फील दे रहा है ये भी। सब चलते हैं, गाड़ी को बाहर निकालते हैं। सो अभी मैं निकल चुका हूँ मेरे घर से। आई होप आपको ऑडियो क्लियरिटी अच्छी आ रही होगी। ऐसा ही कि यार अभी एग्जॉस्ट लगा हुआ है इसलिए आपको इतना क्लियर नहीं आता, बिकॉज मैं एग्जॉस्ट चेंज कर लेता हूँ तो और भी स्मूथ ऑडियो आती। सो आप देख सकते हो मैं हाई स्पीड थोड़ी इसलिए ले जा रहा हूँ जिससे आपको इसका स्टेबलाइजेशन पता लगे, और व्यू आप देख सकते हो पूरी GoPro वाली फील है।
अभी ऐसा है कि अब बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार हमारे पास GoPro नहीं है, मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं कर सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है, ज़रूरी थोड़ी यार हर किसी को 30-40 हज़ार रुपये बिगाड़ने। आपका जिस अकॉर्डिंगली बजट है उसके अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, वो DJI Osmo कैम और ये सब लेने से अच्छा Insta360 कैम वगैरह लेने से अच्छा अगर लेना है तो GoPro ही लेना, नहीं तो आप फ़ोन से देख सकते हो कितना बढ़िया आता है। और देखो जैसे कि अभी आप मेरा एंगल देख सकते हो, अभी एंगल आपको परफेक्ट दिख रहा होगा बिकॉज़ ये मुझे प्रैक्टिस के बाद आया है। शुरुआत में कभी ऐसा होता था कि फ़ोन होल्डर में माइक आ जाता था, ऐसे मेरे साथ बहुत से इश्यूज़ हो चुके हैं। और क्या पता क्यों आज के टाइम पे ऐसा ही कि तो व्लॉगिंग के बिना किसी को मज़ा ही नहीं आता वीडियोज़ देखने में। तो बहुत से लोग डरते भी हैं कभी कभी कि यार हमारा फ़ोन गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप अगर चिन माउंट लेते हो तो मैं ये बोलूँगा कि आपको टेंशन फ्री रहना है, कुछ भी हेडेक नहीं रहेगा मोबाइल गिरने का। बट हाँ ऐसा है कि अगर आपने वो एमसील वगैरह का काम कर लिया जुगाड़ वाला तो फिर उसका मैं श्योरली नहीं कह सकता, बट इससे तो आपको ऐसे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब थोड़ी हाई स्पीड में चल के मैं आपको इसकी स्टेबिलिटी दिखाता हूँ। देखो गाड़ी अभी मैं 80 प्लस ले गया, फिर भी आप मेरी ऑडियो सुन सकते हो कितनी क्लियर आ रही है। और मैंने बताया ना हेडफोन के साथ ही बेटर रहने वाला है, अगर आप दूसरा कौन सा माइक यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव हो जाते हैं। और अपने जो हेडफोन के इनबिल्ड जो अपने स्पीकर्स रहते हैं माइक्रोफोन, वो ज़्यादा भी एकदम शार्प नहीं रहता, बट हाँ जितनी आपको ऑडियो चाहिए उतनी आएगी। और ऐसा देखो मैं ऊपर नीचे देख रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं आ रही। मैं आपको थोड़ा शेक करके भी दिखा दिया इसलिए स्टेबिलिटी बताने के लिए। स्टेबिलिटी तो हालांकि फ़ोन टू फ़ोन डिपेंड करती है, बट मैं मेनली आपको एंगल ही बताना चाह रहा था। सो अब थोड़ा आगे चल के वीडियो का एंड करते हैं। ऑलराइट गाइस, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। फ़ोन मोटो व्लॉगिंग सेटअप का आपने आउटपुट देख ही लिया। पर्सनली आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो का मोटिव बस इतना ही था कि यार आप में से कोई भी लोग सोच रहे हो कि GoPro के बिना या किसी एक्शन कैम के बिना मोटो व्लॉगिंग नहीं हो सकती, तो ऐसे ये पूरी चीज़ गलत है। आपने देखा कैसे पूरे फ़ोन मोटो व्लॉगिंग से एकदम बढ़िया GoPro वाला फील आया। तो चैनल पर कोई भी नया है तो रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी कंटेंट चाहिए हो, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ लेना। और सब्सक्राइब के पास ही आपको बेल आइकन का बटन मिल जाएगा, उसको प्रेस कर लेना जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहेंगे। और गाइज अभी आगे आप में से कोई GoPro लेने का प्लान कर रहा है तो मैंने अपना GoPro मंगाया है UAE से दुबई से चीपेस्ट रेट में, तो उस पर भी एक वीडियो आने वाली है GoPro एंड मीडिया मोड पे। सो इसलिए चैनल पर बने रहना।